दिए तले ही अंधेरा हो, जैसे वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कचेरी के सामने आई हुई मरीमाता की गली में पिछले एक वर्ष से गंदे पानी की समस्या फैलते हुए आज स्थानिक लोगों ने गंदे पानी के नमूने के साथ कॉर्पोरेशन कचेरी में मोर्चा निकाला था। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा वडोदरा शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की गुलबांगी पुकारी जा रही है, लेकिन वडोदरा शहर स्मार्ट सिटी नहीं लेकिन समस्या सिटी बन चुका है। तो वहीं दिए तले ही अंधेरा हो, वैसे वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कचेरी के सामने आई हुई मरी माता गली में पिछले एक साल से दूषित और गंदे पानी की समस्या फैली है। स्थानिक लोगों द्वारा ढेरों बार इस बात की कॉर्पोरेशन तंत्र तथा वार्ड ऑफिस में शिकायतें की गई है। तो वहीं पिछले एक वर्ष से लॉकडाउन और कोरोना वायरस की महामारी के कारण वे लोगों द्वारा कोई भी शिकायत नहीं की जा रही थी। तो वहीं एक साल से दूषित पानी से परेशान और पीड़ित वैसे आज स्थानिक रईसों द्वारा गंदे पानी के नमूने के साथ आज कॉर्पोरेशन कचेरी में मोर्चा निकाला गया। स्थानिक कांग्रेस के काउंसलर बालू सुरवे के इस बात की रजूआत करने के साथ आज संबंधित विभाग के अधिकारियों को भी पानी के नमूने के साथ रजूआत की गई थी, लेकिन पिछले लंबे वक्त से ये समस्या का हल नहीं मिलते हुए आज आखिरकार त्रस्त वैसे मरी माता गली के स्थानिक महिलाओं द्वारा कॉर्पोरेशन कचेरी में गंदे पानी के नमूने के साथ मेयर के समक्ष रजूआत की गई। तो वही मेयर द्वारा उनकी तमाम रजूआत को सुनने के साथ जल्द से जल्द ये गंदे पानी की समस्या का हल निकाला जाएगा वैसी तसल्ली दी थी। एक वर्ष थी गयु से आटलू गंदू पानी आवे से, अर्धो कलाक सुधी पानी आवुज आवे से, पछी ज अमने पानी अर्धो कलाक माटे ज पानी मळे छे, एना माई पानी तो गंध मारे ज छे। क्या विस्तार जी को मरी माता में कितना दिवस से समस्या? एक वर्ष थई गयो, कोरोना ना लीधे अमे केवा नहीं आया, पण हवे कोरोनो ओछो नहीं थतो एटला माटे अमने आवू पड़े छे। जी अरे मेयर ने रजूआत करी तो मेयरे शुं कीधुं तमने? एमने कीधुं छे बे दिवस में फैसलो लई लेशे। बाळूभाई सुरवे जोड़े छे एटले अमने कोई टेन्शन नहीं। सुनो आप। नंदाबेन राजेंद्र वाटेकर। मरी माताना खाचाना जे अमारा रहीशो छे, जे नागरिकोनी अंदर ढोळू पाणी आवी रह्युं छे ए पाणीनी बॉटल लईने बतावा आव्या हता, मैं तंत्रमां सूचना आपी दीधी छे अने आजे बपोर पछी अथवा कालथी त्यां अमारा तंत्रना अधिकारीओ त्यां पहोंचीने સ્થળ નિરીક્ષણ કરીને જ્યાં જરૂર પડશે એ મુજબ લાઇનમાં શું પ્રોબ્લેમ છે અથવા તો ક્યાં ગટરની લાઇનનું લીકેજ છે અથવા પાણીની લાઇનનું લીકેજ છે એ ચેક કરીને સમસ્યાનું નિરાકરણ લાવવાનો પ્રયત્ન કરશે। જે રીતે રજૂઆત કરે છે કે પહેલાં થોડો સમય પાણી ગંદુ આવે છે અને ત્યારબાદ પાણી ચોખ્ખું આવે છે, એનો મતલબ કે જ્યારે લાઇન રાત્રે ખાલી થાય છે એના પછી ક્યાં ને ક્યાં ગટર લાઇનનું લીકેજ હોવાના કારણે અથવા પાણીની લાઇનમાં લીકેજ હોવાના કારણે એ પાણીની લાઇનની અંદર ગટરની લાઇનનું પાણી ભરાય છે, પછી જ્યારે નવું પાણી આપવામાં આવે તો શરૂઆતનું પાણી ડોળું આવે છે અને ત્યારબાદ પાણી ચોખ્ખું થાય છે। એટલે આ એન્જિનિયરિંગ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ પણ તંત્રને ધ્યાનમાં દોરી દેવામાં આવ્યું છે, એટલે ક્યાં ને ક્યાં તંત્ર એનું નિરાકરણ ઝડપથી લાવશે।